लेकिन बेडरूम से ज़्यादा मज़ा आता है इसका ड्राइंग डाइनिंग देखने में। ये देख किचन जो है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर की अर्धांगनी अगर खुश है, धर्मपत्नी खुश है तो सब कुछ सही है। तो किचन का साइज़ बहुत अच्छा है, 9x9 की किचन है, 2 बेडरूम में 9x9 की किचन इज़ ए प्रीटी गुड साइज़। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फ्लैट बिक रहे हैं 10:90 वाले पेमेंट प्लान पे, 10% पैसा अभी देना है, 90% ऑन पोजीशन देना है। अब बताओ अब का बचा सोचने के लिए भैया, अभी भी सोचना है तो फिर सोचने का इलाज कराओ, सोचने की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है आप लोगों को। अनदर व्यू पॉइंट हमेशा एक अनदर व्यू पॉइंट लेके नहीं आता है, कभी कभी अनदर अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, उसी प्रकार से रियल इस्टेट में नॉलेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ मनी। जिनको नॉलेज है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, कौन से बिल्डर हैं, क्या उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, लोकेशन की क्या एडवांटेज है, प्राइजेस कैसे हैं, क्या प्राइजेस कंपेटिबल हैं, वही लोग इस इंडस्ट्री में पैसा कमाते हैं और सेफ रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ बालाजी होम्स। मैंने जैसा कई बार कहा कि खरड़ कुराली रोड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये जैसे आप देखते हैं जीरकपुर और डेराबसी वाला एरिया बहुत तेज़ी से फ्लोरिश हुआ है, उसी तरह से खरड़ कुराली रोड में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। उसका रीज़न है जो कनेक्टिविटी है फ्लाईओवर की, उसने जो डिस्टेंस 40 मिनट का होता था उसको 4 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आओ दोस्तों आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही नायाब छोटा सा प्रोजेक्ट जिसमें कि बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से ये डेवलप हुआ। पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ था, आज हम सितंबर में खड़े हैं यहाँ पे। प्लॉटिंग मैं अंदर चल के दिखाऊंगा आपको, प्लॉटिंग फुली सोल्ड आउट हो चुकी है, अब रीसेल में ही कुछ अवेलेबिलिटी मिल सकती है। लेकिन अभी जिस पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज आप लोगों के लिए, पर्पस ये है कि यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स जो कि बहुत अच्छे प्राइस पे हैं, बहुत अच्छे साइज़ पे हैं, और जो लोग मिस कर जाएंगे, जैसे यहाँ के प्लॉट 6 महीने 8 महीने में फुर हो गए, वैसे ये जो थोड़े से फ्लैट्स बन रहे हैं, लगभग 72 फ्लैट हैं उसमें से ऑलमोस्ट 24-25 बिके हुए हैं, तो बहुत फास्ट ये सोल्ड आउट हो जाएंगे। लोकेशन बहुत अच्छी है, आइए इन फ्लैटों को भी दिखाता हूँ मैं अंदर से, और देन यू टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर विजडम। वो पुराना गाना याद आता है, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, और मैंने ये वीडियो बनाया फ्लैट दिखाने के बहाने। ये फ्लैट्स हैं और सबसे अच्छी बात है कि इस फ्लैट्स के बीच में जो फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस है वो लगभग 55 फुट के आसपास का फासला है, लगभग एग्जैक्टली मैंने नाप के नहीं देखा है, पर वो जो विजिबल है आंखों से दिखाई देता है। उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK फ्लैट है, ये भी 126 गज के प्लॉट साइज़ में बना है। अब आप सोचिए कोई बनाता है 126 गज के प्लॉट में दो बेडरूम का फ्लैट, कोई बनाता है मोहाली में? नोबडी मेक्स। इतनी जगह में तो लोग 3 बेडरूम का फ्लैट छोटा छोटा कमरा डाल के दे देते हैं, और मजबूरी है लोगों की। तो आप अगर थोड़े फासले में जा रहे हैं तो आपको चीज़ें भी थोड़ा सा एलिगेंट मिल रही हैं, स्पेस भी ज़्यादा मिल रहा है, पैसे भी भैया बड़े हिसाब से लग रहे हैं। ये तो बहुत ही सस्ता है आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसका फर्स्ट फ्लोर मैंने ऑलरेडी ख़रीद लिया है, जो मैं किसी कस्टमर को दिखाने आया था डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब की वाइफ, और वो सोच रहे थे और हमको लगा कि यार भैया इसको सोचने का टाइम नहीं, हमने ठक से इसको ओके किया, क्लोज़ किया। तो आइए हम अंदर से दिखाते हैं, इट्स प्रीटी गुड साइज़, वेरी गुड फ्लैट। तो अब हम फ्लैट आपको अंदर से दिखाएँ। ये ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, सेम साइज़ है सभी ऊपर वाले। इसमें 2 बेडरूम दिए गए हैं, एक 13x12 का है, एक 13x11 का है, लेकिन बेडरूम से ज़्यादा मज़ा आता है इसका ड्राइंग डाइनिंग देखने में। ये देखिए साहब, चूँकि प्लॉट साइज़ बड़ा है, 123 गज का प्लॉट था, मैंने स्टार्टिंग में 126 बोल दिया था तो मैं उसको अमेंड करता हूँ, 123 गज के प्लॉट में बनाइए। तो 123 गज के प्लॉट में जब आपको 2 बेडरूम ही देने हैं तो आप जगह को यूटिलाइज़ करने के लिए डेफिनेटली ड्राइंग डाइनिंग बड़ा हो जाता है। तो बहुत बड़ा ड्राइंग डाइनिंग स्पेस है, और स्लाइडिंग ये इन्होंने विंडो दी है, जो कि मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है इसमें। देन बालकनी है, बालकनी से आपको पार्क वगैरह विजिबल होता है। किचन जो है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर की अर्धांगनी अगर खुश है, धर्मपत्नी खुश है तो सब कुछ सही है। तो किचन का साइज़ बहुत अच्छा है, 9x9 की किचन है, 2 बेडरूम में 9x9 की किचन इज़ ए प्रीटी गुड साइज़, प्रीटी बिग साइज़ रेदर। इसमें जो कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा, बस इन दो चीज़ों को सैम्पल फ्लैट में रखा जाता है, ये आपको एक्चुअल फ्लैट में नहीं मिलेगा। उसका रीज़न भी होता है, हर गृहिणी अपने हिसाब से ये चीज़ खरीदना चाहती है, कंपनी उन झंझड़ों में नहीं पड़ना चाहती, नहीं तो हर आदमी के लिए अलग इंडेंट और अलग ब्रोशर डालना पड़ेगा। अब आप आइए आपको बेडरूम दिखाएं। 13x12 के साइज़ का ये बेडरूम है। बेडरूम चूँकि साइजेस बेडरूम के इसलिए बड़े हैं बिकॉज द प्लॉट साइज इज़ बिगर,
जब प्लॉट साइज बड़ा है तो हर चीज़ बड़ी होगी। उसके बाद ये आप देखिए, इसके अंदर वार्डरोब बना के दे रहे हैं ये। देन सफिशिएंट स्पेस, फुल साइज़ का बेड रखा गया है, वो फर्जी वाला नहीं रखा गया है जो कई जगह आप देखते हैं कि रख देते हैं 4x6 का बेडरूम। दिस इज़ प्रॉपर फुल साइज़ बेडरूम। देन आप यहीं से हम आपको लेके चलते हैं यूटिलिटी एरिया। दरवाजे वगैरह सब UPVC के लगाए गए हैं, विच इज़ प्रिटी कॉस्टली आइटम। ये एक यूटिलिटी एरिया है, इसका वही बेनिफिट है भैया, कॉमन जो घर का कुछ आप सामान भी रख सकते हैं, अदरवाइज वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ रखी जाती है। और जो सबसे इसका महत्वपूर्ण रोल है वो ये है कि ये वेंटिलेशन का रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। 13x11.5 का दूसरा बेडरूम, ये भी बहुत बड़े साइज़ का है, और इसमें भी वार्डरोब आपको बना के दी जा रही है, लगा के दी जा रही है। बेड का साइज़ रखने के बाद कितनी जगह बचती है वो सामने विजिबल है। और अगेन बाथरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा, और मतलब जैसे कई बार होता है ना, जैसे गृहिणी को किचन बड़ी चाहिए होती है, बच्चों को वॉशरूम बड़े चाहिए होते हैं। आजकल वॉशरूम में दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स के सामान सब सजाने का मन करता है, तो उसके लिए जगह होनी चाहिए। तो उस हिसाब से, और फ्लैट की कीमत सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर की कीमत, फर्स्ट फ्लोर की कीमत और सेकंड फ्लोर की कीमत, आपको अभी इस कीमत में कुछ मिलता नहीं है, अभी भी सोचना है। देखो, अगर आपकी ज़रूरत है तो चुको मत, ज़रूरत नहीं है और रिसर्च करनी है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए बहुत बड़ा शहर है ये और बहुत बड़ा एरिया है इसका। वो फ्लैट तो लगभग तैयार था, विच इज़ सैम्पल फ्लैट है, उसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का भी काम चल रहा है, फिनिश होने वाला है। अब मैं आपको वो एरिया दिखा रहा हूँ जहाँ पे फर्दर इनके फ्लैट्स बन रहे हैं। टोटल 24 प्लॉट्स में ये 72 फ्लैट बना रहे हैं, 20-22 फ्लैट बिके हैं, बाकी अभी अवेलेबल हैं। सो ये भी बहुत ही अच्छी लोकेशन हो गई, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम प्रॉपर्टी, सेम साइज, सेम गैप ऑफ द प्लॉट टू प्लॉट, और ये लोकेशन भी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। दीज आर वेस्ट फेसिंग, दीज आर ईस्ट फेसिंग। सो अगर सपोज़ कोई इन फ्लैटों में आता है तो उसको पार्क का भी व्यू मिलेगा, एंट्रेंस का भी व्यू मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा साइज़ है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ सेल्डम नॉक्स योर डोर, और चूंकि प्रोजेक्ट थोड़ा शहर से बाहर है, लोगों की नॉलेज में नहीं है, तो मेरा काम यही है कि कहीं पे भी अच्छी चीज़ कोई बन रही है, इन प्राइस मिल रही है। अब आप सोचिए, ये जो आपको 32-33 लाख का फ्लैट मिल रहा है, इसमें 15,000 रुपये तक रेंट आपको खूब आराम से मिल जाएगा। अगर आप लोन भी कराते हैं तो आपकी, मान लीजिए आप 5-10 लाख अपने पास से अरेंज करते हैं, बाकी पेमेंट आप बैंक से करा के देते हैं, तो आपकी काफ़ी हद तक तो EMI आपका टीनेंट ही कवर कर लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फ्लैट बिक रहे हैं 10:90 वाले पेमेंट प्लान पे। 10% पैसा अभी देना है, 90% ऑन पोजिशन देना है। अब बताओ, अब का बचा सोचने के लिए भैया? अभी भी सोचना है तो फिर सोचने का इलाज कराओ, सोचने की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है आप लोगों को। और हाँ, एक चीज़ है, मेरा वीडियो देख करके लोग फ़ोन कर देते हैं, कई बार मेरा नाम नहीं समझ पाते, तो भैया मेरा नाम है दीपक पांडे, नंबर 9889-10151। खुशबू हमारी एक असिस्टेंट हैं जो हमें असिस्ट करती हैं हमारे अपॉइंटमेंट्स फिक्स कराने में, मीटिंग्स वगैरह अरेंज करने में, उनका नंबर भी इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, खुशबू जी का नंबर है। और कभी भी आपको विज़िट करनी है, आप डायरेक्ट भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ विज़िट करनी है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करके, टाइम ले करके, बिकॉज चंडीगढ़ का माहौल काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। सब्सक्राइब कर दो यार, ये सब ऐसी बातों के लिए रिक्वेस्ट करने में ना मुझे अच्छा नहीं लगता, जब मैं पसीना बहा के काम करता हूँ, आपको तो सिर्फ बटन दबाना है यार, चलो दबाओ। बड़ा खूबसूरत सा एक सेंट्रल पार्क बनाया है इन्होंने, जिसमें बहुत अच्छे पौधों का लगा करके ऑलरेडी पार्क रेडी पोजिशन में है। चूँकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट हो रही है, लोग पोजिशन लेके इमिडिएटली काम शुरू कर रहे हैं, इसकी वजह से पार्क वगैरह जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहले से ही तैयार हैं। और बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पार्क के बिल्कुल सेंटर में एक 5 लाख लीटर का एक रिज़र्वर बनाया गया है, जो कि आपकी पानी की सप्लाई को, अगर कभी MC की जो सप्लाई लाइन है वो बाधित होती है, तो ये यहाँ से आपको वाटर बैकअप दिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्रोजेक्ट के अंदर 35 फुट की और 40 फुट की इंटरनल रोड्स दी गई हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 फुट की होती है। लेकिन जो सेंसिटिव बिल्डर होते हैं वो समझते हैं कि थोड़ा बहुत अगर हम रोड का एरिया बढ़ाते हैं, उससे लोगों को कितनी सुविधा मिलती है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। MC की वाटर लाइन भी डाली गई है, ऑलरेडी अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन है, जितनी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग है सब अंडरग्राउंड है। आप देखिए, किसी हर खंभा तो दिखाई दे रहा है पर उसकी तार नहीं दिख रही, तो टेंशन मत लेना, तार ज़मीन के अंदर है।
हर आदमी अपना इंडिपेंडेंट मकान बनाना चाहता है, समय की इतनी व्यस्तता है कि लोगों के पास समय नहीं है, और जब हम कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट देखने जाते हैं तो 100 गज का मकान ही नॉर्मली जो विला बन के मिल रहा है वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में लोग बेच रहे हैं। सेंसिटिविटी यही होती है अच्छे बिल्डर की कि वो प्रोडक्ट को अपने मार्जिन रख करके ही उसकी प्राइसिंग फिक्स करता है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत अच्छी है, एक इंडिपेंडेंट विला है 126 गज के प्लॉट में 24 फुट के मत्थे के साथ 47 फुट की डेप्थ के साथ 3 बेडरूम का प्रोविज़न दे करके, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम है, ऊपर 1 बेडरूम है, फर्स्ट क्लास आपका गाड़ी का पार्किंग का एरिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, साथ में एक मोटरसाइकिल, बच्चों की साइकिल आराम से यहाँ पार्क हो सकती है। उसके बाद फिर आप अंदर आते हैं, ड्राइंग डाइनिंग एरिया प्रिटी गुड साइज़, बहुत ही अच्छे साइज़ से बनाया गया, और इसकी कीमत सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि इतनी बढ़िया चीज़ इतने कम रेट पर अगर मिल रही है, और फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि ये कुराली की रोड पे है, ये चंडीगढ़ से दूर है, तो ये फिर आपकी सोच की समस्या है। ये सब चीज़ें बाद में बहुत रेट उठ जाता है, और आज सड़कों ने डिस्टेंस ख़त्म कर दिया है। धन्य है नितिन गडकरी जी, जो रोड्स और डेवलपमेंट करके और पंजाब की सरकार ने भी जो योगदान दिया है उसकी वजह से समय बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप 15 मिनट लगते हैं यहाँ से चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुँचने में। ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया था, ड्राइंग डाइनिंग के बाद ये बेडरूम आ जाता है जो कि अटैच वॉशरूम के साथ है, और जब आप देखेंगे तो पीछे एक ओपन एरिया भी दिया जाता है जिसको यूटिलिटी एरिया बोलते हैं नॉर्मली हम लोग, और इस यूटिलिटी एरिया में आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। इसका पर्पस उद्देश्य ये होता है कि ये वेंटिलेशन को सपोर्ट करता है, तो एक डब्बे के जैसा घर नहीं होता, घर के जैसा घर होता है। वुडवर्क वगैरह सब करके दिया जाएगा ताकि आप जब आएँ तो बस अपना सूटकेस और अपना सामान लेके आइए, बेड वगैरह आप रेडीमेड आजकल ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर बेडरूम, ये दूसरा बेडरूम है, सेम साइज़, फर्स्ट क्लास का वुडवर्क आप देख सकते हैं, स्लाइडिंग डोर्स के साथ, और बड़ा मतलब हैवी स्टफ़ लगाया गया है, इवन दरवाज़ों की चौखट, मतलब दिल से काम हो रहा है। और ऐसे प्रोडक्ट्स को मेरी यही सजेशन है कि फासले को देख करके फासला ना बनाएं, यही फासला बाद में धन का फासला बन जाता है। हर प्रोजेक्ट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, प्रोजेक्ट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ज़रूर होना चाहिए। बड़ी एलिगेंट सी 3 शॉप्स एंट्रेंस में ही हैं, 17x70 का इनका साइज़ है। एक शॉप तो ये अपने ऑफिस के पर्पस से यूज़ करेंगे, 2 शॉप यहाँ पे किसी भी अच्छे आउटलेट के लिए, ग्रॉसरी शॉप के लिए रखी जाएगी। अंदर भी इन्होंने कुछ शॉप्स बनाई हैं, वो मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। एक चीज़ का मैं विशेष इम्फेसिस देना चाहता हूँ कि बालाजी होम्स 2 इज़ द मोस्ट बहुत उपयुक्त प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश की, ये वाली बेल्ट बिलासपुर हमीरपुर मंडी इस वाली बेल्ट के लिए, मनाली देन ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है J&K के लोगों के लिए, क्योंकि उनको चंडीगढ़ के आसपास कोई अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए होती है जहाँ रजिस्ट्री हो जाए, जो सेफ़ हो और जो चीज़ बनी हुई हो जिसमें कोई कहानी ना हो, तो ये उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल प्रोजेक्ट है। और इसमें दूसरा एक इसका प्लस पॉइंट है कि ये प्रोजेक्ट 2 रोडों से कनेक्टेड है, जो मेन रोड थी कुराली वाली वो तो है ही है, ये साथ में एक सप्लीमेंट्री रोड है जिसके ऊपर इन्होंने कमर्शियल बूथ काटे हैं 44 गज के 44 स्क्वायर यार्ड में, जिनका साइज़ है 12x33, और साथ में कंपनी ने सफिशेंट पार्किंग का स्पेस छोड़ा हुआ है सो दैट जो सरकारी रास्ता है, जो पुराना रोड है, उससे पार्किंग में दिक्कत ना आए। और इनकी कीमतें भी बड़ी रीज़नेबल हैं, और 24,90,000 में मिल रही भैया, और बताओ क्या चाहिए आपको, 25 लाख में कहीं दुकान मिलती है आपको, कम से कम कितना किराया होगा, 15,000 में तो चढ़ी जाएगी भाई, तो 0.5 पैसे से ऊपर का रिटर्न है। और ये मार्केट एक ऑर्गेनाइज ढंग से बनी है जिस तरह से कोई आसपास मार्केट नहीं है, छोटी छोटी दुकानें हैं, हर आदमी की नीड होती है, बड़ा किराए का किराएदार, बड़ी शॉप्स का किराएदार जल्दी नहीं मिलता, ये तो एंड यूज़र की चीज़ें हैं, तो आप बन के तैयार होने दीजिए, आप देखिए धड़ाधड़ उठने लग जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी को रेंटल इनकम का सोर्स बनाना है तो इट्स ए प्रिटी गुड अपॉर्चुनिटी। 25 लाख में बताओ यार दुकान नहीं मिलती कहीं, तो इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिएगा। तो ये प्रोजेक्ट ऑल राउंड है एकदम, मतलब कंप्लीट है, मैं इसको A++ की कैटेगरी में रखता हूँ,
और आज इस स्टेज में है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है, एवरीथिंग इज़ डन अप फिनिश्ड, तो कोई रिस्क नहीं है, आप पैसा दो रजिस्ट्री कराओ। जयराम जी की।